और अनुच्छेद 370 पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले से पहले नेशनल कॉन्फ्रेंस नेता उमर अब्दुल्ला ने न्याय मिलने की उम्मीद जताई है। ये बड़ी जानकारी आपको दे दें। या देखिए, उमर अब्दुल्ला का बयान सामने आ चुका है, हमें सुप्रीम कोर्ट से न्याय मिलने की उम्मीद है। उनकी तरफ से कहा गया कि हमें इस दिन का बेसब्री से इंतजार था। उनकी पार्टी जम्मू कश्मीर के लोगों के अधिकारों की बहाली के लिए संविधान के अनुरूप शांतिपूर्ण तरीके से अपनी लड़ाई जारी रखेगी। ये बात भी उनकी तरफ से कही गई। जब हम सुप्रीम कोर्ट में गए थे 2019 में, तो इंसाफ हासिल करने की उम्मीद लेके गए थे। आज भी हमारे जज्बात वही हैं। हमें बेसब्री से इस दिन का इंतजार था। ऑनरेबल चीफ जस्टिस और उनके साथ चार ऑनरेबल जजेस जो हैं वो अपना फैसला सुनाएंगे और हम इंसाफ की उम्मीद लिए बैठे हैं। इससे ज्यादा मैं क्या कह सकता हूँ। 5 अगस्त 2019 को जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 को हटा दिया गया। जम्मू कश्मीर पर मोदी सरकार का यह बहुत बड़ा कदम था। अनुच्छेद 370 हटने के 4 साल बाद घाटी में आतंकी घटनाओं में भारी कमी देखी गई है। केंद्र सरकार ने 5 अगस्त 2019 को अनुच्छेद 370 को हटा दिया। गृह मंत्री अमित शाह ने संसद में आकर इस बारे में देश को बताया था। अनुच्छेद 370 को हटाने के साथ साथ ही जम्मू कश्मीर राज्य को 2 केंद्र शासित प्रदेशों में बांट दिया गया, जिसमें से 1 जम्मू कश्मीर तो दूसरा लद्दाख बना। अमित शाह ने संसद में अनुच्छेद 370 को अस्थाई और भेदभाव पूर्ण बताया था, जिसकी वजह से सरकार ने ये कदम उठाया। और ऐसे में आज का ये दिन काफी अहम है, क्योंकि कई याचिकाकर्ता इस फैसले के खिलाफ कोर्ट गए थे।